आप देख रहे हैं बिहार के डिजिटल क्रांति के पायनियर और न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अमरनाथ यात्रा को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। मुफ्ती ने कहा कि हम अमरनाथ यात्रा का समर्थन करते हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर कश्मीरियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस दौरान मुफ्ती ने हुर्रियत नेताओं से बातचीत का भी समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि हुर्रियत का उदारवादी गुट बातचीत के लिए तैयार है। अगर हुर्रियत के नेता बातचीत के लिए तैयार हैं तो केंद्र सरकार को इस अवसर का इस्तेमाल करना चाहिए। सरकार को हुर्रियत नेताओं से बातचीत शुरू करनी चाहिए। आपको बता दें कि बाबा अमरनाथ यात्रा के पांचवें दिन 16,745 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में शिवलिंग के दर्शन किए हैं। इसके साथ ही इन पहले पाँच दिनों के दौरान 67,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने अमरनाथ यात्रा की। अब शनिवार को 5124 यात्रियों का एक और जत्था जम्मू से पवित्र गुफा के लिए रवाना हुआ है। यात्री शनिवार को भगवती नगर यात्री निवास 2 सुरक्षा काफिले में कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुए। अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू हुई थी। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, इनमें से बालटाल आधार शिविर के लिए 1994 यात्री पहले सुरक्षा काफिले में तकरीबन 3 बजे रवाना हुए, जबकि 3130 यात्री दूसरे सुरक्षा काफिले में पलगाम आधार शिविर के लिए तकरीबन 3:20 पर रवाना हुए। क्षेत्रीय मौसम कार्यालय ने अपने पूर्वानुमान में शनिवार को पवित्र गुफा के दोनों मार्गों पर आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहने की बात कही है। समुद्र तल से 3,888 मीटर ऊपर स्थित अमरनाथ गुफा तीर्थ स्थल पर इस साल की 45 दिवसीय वार्षिक हिंदू तीर्थयात्रा 15 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के साथ संपन्न होगी। जाते जाते जरूर जानकारी देते चले कि श्रद्धालु पवित्र गुफा के लिए पारंपरिक पलगाम मार्ग से या बालटाल मार्ग से पहुंचते हैं। दोनों आधार शिविरों में तीर्थयात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्थानीय मुसलमानों ने हमेशा यह सुनिश्चित करने में मदद की है कि उनके हिंदू भाई आसानी और सुविधा के साथ यात्रा कर सकें। खैर, महबूबा मुफ्ती का ये पहल शायद पहली बार अमरनाथ यात्रियों के साथ साथ भारत सरकार के लिए राहत की खबर है, क्योंकि जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले एक तीखम राजनीति शुरू हो जाती है, उससे पहले महबूबा मुफ्ती का अमरनाथ यात्रा पर समर्थन देना और सरकार को बेहतर सलाह देना कहीं ना कहीं सफल अमरनाथ यात्रा की पहल है। खबरों का सिलसिला न्यूज़ बिहार और भारत लाइव पर चलता रहेगा। देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे शेयर करें। बिहार की राजनीति और बिहारियत से आपका भी है सरोकार, तो बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल की घंटी को दबा देने से सबसे सटीक और मारक खबरें आपको प्राप्त हो जाएंगी। अगर आपको पत्रकारिता में हमारा ये प्रयोग अच्छा लगा तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और पेटीएम नंबर नोट कर लीजिए 9386816700। धन्यवाद।